हेलो, हेलो, गीना देवी शोध संस्थान एमिली डिस्कॉर्स यूक्रेन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार में मैं डॉक्टर शिवकर निर्मल, आदरणीय डॉक्टर विनोद जी शर्मा, डॉक्टर मनीषा महंत जी, राकेश डॉक्टर जी, प्रोफेसर शकुंतला जी, अनुपमा जी, डॉक्टर नरेश जी सर आदि मंचा सिंह एवं वक्ताओं एवं श्रोताओं को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सामाजिक संदर्भ में चिंतन इस विषय पर अपना वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। अगर कोई गलती हो तो मैं साथ में माफ़ी भी चाहूँगा। मानव एक विचारशील प्राणी है, इसलिए मनुष्य विचार कर सकता है किसी भी तथ्य के बारे में। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से वह उसका आंकलन कर सकता है। मनुष्य ने शुरू किया, उसके अंदर सामाजिकता का गुण आया। धीरे धीरे जीवन चक्र की गति, समय के बदलाव के साथ ही मानव की आवश्यकताएं बढ़ती गई और वर्तमान में निरंतर बढ़ती ही जा रही हैं, जिसका परिणाम ये निकला कि मनुष्य सामाजिकता से आगे बढ़कर धार्मिक और आर्थिक गतिविधियों की तरफ बढ़ता गया। मनुष्य के अंदर अपनी सुरक्षा के लिए जो चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगी तो वह राजनीतिक जीवन की ओर अग्रसित हुआ। समय के साथ ही राज्य की कल्पना शुरू हुई और राज्य आज अपने पूर्ण रूप में मौजूद है, जिसकी शुरुआत कबीले के रूप में हुई। इस प्रकार आज मनुष्य सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक प्राणी के रूप में हमारे सामने आता है। मनुष्य में सामाजिकता का गुण सर्वप्रथम आता है, उसमें परिवार रूपी संस्था का अस्तित्व सर्वप्रथम हमारे समक्ष आता है। परिवार के अंतर्गत विवाह प्रथा की महत्वपूर्ण भूमिका है, कारण कि समूह प्रवृत्ति का उद्गम स्थल परिवार से माना जा सकता है। कारण कि एक अकेला मनुष्य लंबे समय जीवन नहीं गुजार सकता है, उसे अपने सहयोगियों की जरूरत निरंतर पड़ती है। मनुष्य में इस जगत में विद्यमान सभी प्राणियों के समान ही चार मूल प्रवृत्तियां हमेशा से विद्यमान रही, जो कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन। इस प्रकार मनुष्य अपनी विचारशील प्रवृत्ति और खोजपूर्ण शैली के कारण धीरे धीरे पशु प्रवृत्ति से अलग होने लगा और आज उसने अपनी विशिष्ट पहचान बना ली। आज मनुष्य इन चारों चीजों पर आत्म संवेदन की प्रवृत्ति के कारण नियंत्रण कर सकता है, जबकि पशु नहीं। मनुष्य ने अपनी सामाजिकता की प्रवृत्ति के कारण विवाह प्रथा को अपनाया और धीरे धीरे इसमें काफ़ी कुछ बदलाव आया। समय की गति के बदलावों को सहते हुए आज विवाह प्रथा इस रूप में स्थापित हो गई है कि इसे धार्मिक कर्तव्य के रूप में मान्यता मिली हुई। प्राचीन काल में शक्तिशाली का हित ही न्याय है कि प्रवृत्ति के कारण विवाह प्रथा में शक्ति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी, परंतु आज वह एक श्रेष्ठ प्रथा के रूप में स्थापित हो चुकी है। विवाह प्रथा के बिना मनुष्य की चारों मूल प्रवृत्तियों में मैथुन का होना असंभव प्रतीत होता है। विवाह प्रथा के कारण ही एक परिवार से दूसरे परिवार का जुड़ना और परिवार की जिम्मेदारियों को वहन करना उसकी सामाजिकता की प्रवृत्ति का सूचक है। समाज अपनी ही गति से निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्राचीन समय में विवाह प्रथा में स्वयंवर प्रथा का प्रचलन भी ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है, परंतु प्राचीन काल में विवाह प्रथा में नर और नारी में नारी की भूमिका नगण्य थी। वह नर की इच्छाओं और आकांक्षाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करते थे, परंतु आधुनिक युग में नर और नारी में समानता की बात की जाती है। विवाह प्रथा में आज नर और नारी दोनों की भूमिका दिखाई देती है, हालांकि ये पूर्ण रूप से आज भी विद्यमान नहीं है। अधिकांश विवाहों में माता पिता की भूमिका अधिक दिखाई देती। आज प्रेम विवाह के अनेक उदाहरण देखने को मिल जाते हैं। प्राचीन ग्रंथों में विवाह के अनेक प्रकारों में गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह आदि प्रकार हमें देखने को मिलते हैं। समय के साथ हर नियम, हर वस्तु, हर क्रियाकलाप जो मनुष्य ने अपने श्रेष्ठ जीवन के निर्माण के लिए निश्चित किए हैं, उनमें विकृति आना स्वाभाविक है। ये विकृति विवाह प्रथा में भी प्राचीन काल से ही धीरे धीरे अनेक रूपों में विद्यमान रही। राज्य की प्रारंभिक अवस्था में शक्तिशाली का हित ही न्याय की अवधारणा के तहत एक शक्तिशाली पुरुष
अपनी इच्छा अनुसार शक्ति के बल पर किसी भी नारी से विवाह करने की स्थिति में था और वह अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु किसी भी नारी से संसर्ग कर सकता था। धीरे धीरे इस प्रवृत्ति का ह्रास हुआ, परंतु पूर्ण रूप से यह प्रवृत्ति कभी भी लुप्त नहीं। आज मनुष्य अपने ज्ञान की चरम सीमा की ओर अग्रसित हो रहा है। आज विज्ञान के सहारे उसने अनेक असंभव कार्यों को संभव बनाया, परंतु मनुष्य अपने विचारों के साथ ही भावनाओं से जुड़ा हुआ भी है। वह जीवन में बहुत से कार्य भावनाओं के वशीभूत होकर ही करता है। जब वह अपनी भावनाओं के गहरे समुद्र में गोते लगाता है तो वह प्राचीन काल से बने हुए सामाजिक नियमों को ताक में रख देता है और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु उन नियमों का उल्लंघन कर देता है। जैसे बिना विवाह के नर का नारी के साथ संसर्ग करना सामाजिक नियमों का उल्लंघन माना जाता है। विवाह का जो नियम वह सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने हेतु बनाया गया है। प्राचीन काल में जीवन काफी सहज सरल था, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से हो सकती थी, परंतु आधुनिकता के बढ़ते कदमों ने उनके जीवन को कठिन बना दिया। जैसे जैसे जीवन कठिनाइयों की ओर बढ़ता गया, विवाह की प्रथा में भी काफ़ी कठिनाइयां उत्पन्न होगी। आज प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए श्रेष्ठ कन्या या फिर श्रेष्ठ वर या फिर श्रेष्ठ परिवार की तलाश पूर्ण होने पर ही विवाह के कार्य को संपन्न करता है। यह इस आधुनिकता के कारण धीरे धीरे कुछ लोग विवाह रूपी प्रथा से वंचित रह गए। साथ ही इस प्रथा से वंचित रहने वाले लोगों की जो मूल प्रवृत्ति से उन्हें वंचित होना पड़ा, जिसका परिणाम उन मनुष्य के मन में नकारात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला। फलस्वरूप समाज में कुछ मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों के बारे में कहा जा सकता है कि वह उन्हें ज्यादा समय तक नियंत्रण में नहीं रख सकता। जैसे एक व्यक्ति बिना खाए पिए लंबे समय तक नहीं रह सकता है, वह भूख से पीड़ित होने पर चुराकर खाना भी खा सकता है, कारण कि वह उसकी जीवन की वह आवश्यकता है जिसके बिना वह जी नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार से मैथुन की प्रवृत्ति भी समय के अनुसार बढ़ती उम्र के अनुसार चरम सीमा पर यदि पहुंच जाती है तब मनुष्य विवेक से कार्य नहीं कर सकता है और वह केवल भावनाओं के सहारे ही चल पाता है। भावनाएं समाज के नियमों को नहीं मानती है, भले ही वह नियम संपूर्ण समाज के लिए हितकर हो, तब उस स्थिति में वह नैतिकता के पैमाने को छोड़ देता है और अपनी मूल प्रवृत्तियों के लिए जो कुछ वह कर सकता है कर देता है। उस समय उसे सामाजिक धार्मिक नियमों का ध्यान नहीं रहता है। मनुष्य हमेशा से ही सुंदर दिखने वाली हर वस्तु के सम्मोहन में बंधा रहा है, हालांकि सौंदर्य देखने वालों की दृष्टि में निहित होता है। सुंदरता मन का भाव है, न कि मस्तिष्क के विचारों का प्रतिफल। सुंदरता का कोई पैमाना नहीं है। जो वस्तु आज सुंदर है वह हर समय सुंदर ही रहे ये जरूरी नहीं है। समय की गति के अनुसार प्रत्येक वस्तु उत्पन्न होती है और नष्ट भी हो जाती है। प्राचीन समय के अनेक ग्रंथों के अध्ययन के दौरान उनके आधार पर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि सौंदर्य बोध की प्रवृत्ति मनुष्य में शुरू से ही रही है, आज भी वह विद्यमान है। कोई फूल किसी व्यक्ति को सुंदर लग सकता है, परंतु ये जरूरी नहीं कि वह किसी को सुंदर ही लगे। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक नर नारी का सुंदर दिखना भी आवश्यक नहीं है, परंतु कुछ नर नारियों का शरीर अनेक मनुष्य की भावनाओं को प्रभावित कर सकता है, उनमें सौंदर्य बोध उत्पन्न कर सकता है। प्राचीन समय जब ये सौंदर्य वृद्ध स्तर पर समाप्त हो जाता था तो उस समय उस नारी के लिए अनेक पुरुष सर्वस्व न्यौछार करने के लिए तैयार रहते थे और एन-केन प्रकारेण उसे प्राप्त करना चाहते थे। इस प्रकार के अनेक उदाहरण साहित्यिक ग्रंथों में भी मिलते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना जरूरी है कि नारी हमेशा कोमल प्रवृत्तियों को धारण करने वाली रही है, परंतु नर हमेशा शक्ति को धारण करने वाला रहा है। उसे हमेशा अपनी बुझाओं का अहम रहा है। हो सकता है ये 100% सत्य नहीं हो, परंतु बहुत हद तक ये सत्य। इसी प्रवृत्ति के कारण स्वयंवर प्रथा भी प्रचलन में रही और नकारात्मक विचारों की प्रवृत्ति वाले मनुष्यों में जो नारी उन्हें सुंदर प्रतीत हुई, जिसने उनकी भावनाओं को उद्वेलित किया, वे उन्हें शक्ति के बल पर उठाकर ले जाते थे। परंतु आज आधुनिक युग में ये प्रथाएं विद्यमान नहीं है, अर्थात इनका वर्तमान में अस्तित्व नहीं है। परंतु आज शक्ति का रूप बदल गया। आज भुजाओं की शक्ति के बजाय आर्थिक शक्ति और राजनीतिक शक्ति अस्तित्व में आ चुकी है। विवाह प्रथा अपने नियमों से बंधे हुए दायरे में ही प्रचलन में, जिसमें समाज का जाति विभाजन आधार स्तंभ के रूप में कार्य करता है, साथ ही साथ जाति में भी आर्थिक स्थिति और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। रूप जीवा के बारे में अनेक साहित्यिक विधाओं में इसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान में अनेक साहित्यिक कृतियों में इसका विवेचन प्रस्तुत किया गया है। मूल रूप से बिहार के निवासी जो कि वर्तमान में यूक्रेन में रहते हैं, राकेश शंकर भारती जी, जिनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह कोठा नंबर 14 रूप जीवा के बारे में यथार्थ बोध का ज्ञान कराता है।
साथ ही साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब समाज में विवाह प्रथा विद्यमान है, विवाह के नियम बने हुए हैं, तब रूपजीवा का आगमन किस प्रकार से समाज में हो गया। इसके पीछे के अनेक कारण समाज में प्राचीन काल से ही विद्यमान रहे। आज आधुनिक युग में कुछ ऐसी विकृतियां दिखाई देती हैं जिसके कारण रूपजीवा की प्रवृत्ति समाज में स्थान बनाने में सक्षम हुई। सभ्यता और संस्कृति के बदलावों के साथ ही स्वतंत्रता की प्रवृत्ति का उद्गम समाज में हुआ, जिसका लक्ष्य था प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सके। परंतु स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छता के रूप में जिस क्षेत्र में अपना लिया गया, वहां पर कुछ ऐसे नियमों का उल्लंघन हुआ। उदाहरण के लिए, प्रारंभ में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, जो आज प्रतिस्पर्धा के दौर में काफी आगे बढ़ चुकी हैं। ऐसे आराम की जिंदगी के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाना एक ऐसी मानसिक दुष्प्रवृत्ति के रूप में स्थापित हुआ कि मनुष्य आज अपनों से ही अपना नहीं रह गया। आधुनिकता के इस युग में अस्तित्व बनाए रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। आर्थिक सुदृढ़ता किस तरह का व्यापार करने से आ सकती है? जब जहन में इस तरह के प्रश्न उठते हैं तो सोचते हैं कि कम समय और वह कम पूंजी में ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसके अन्य और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे गरीबी, पूंजी का अभाव, शिक्षा की कमी, अपने आसपास का वातावरण या ऐसो आराम भरी जिंदगी। जो भी कारण रहे हो, नर नारी हमेशा सीधा व सरल रास्ता ही अपनाने की कोशिश करते हैं। कांटों से भरे मार्ग पर चलना हमेशा से ही खंडे की धार पर चलने के समान रहा है। समस्त प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करना, उनका उपभोग करना जब जीवन में शामिल हो जाता है तो फिर अच्छे बुरे का भान होना सबसे ही कम होने लग जाता है। रूपजीवा की बदौलत जो व्यापार चलन में आया, जिसे समाज की मौन स्वीकृति भी मिली, इसी प्रकार आगे हम बात करते हैं कि एक ही समस्या के अनेक पहलू हो सकते हैं, ये भी एक पहलू था। जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी जीवन शैली मनुष्य की आवश्यकताएं और उनकी आकांक्षाओं का बढ़ना, फिर उनका आदत रूप में ढल जाना, दलालों का लाभ प्रवृत्ति के हिसाब से आगे बढ़ना भी इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रवृत्ति की रोकथाम के लिए तीन स्तर पर प्रयास किए जा सकते हैं। प्रथम व्यक्तिगत स्तर पर नर नारी के मन में दृढ़ संकल्प का होना। द्वितीय, सामाजिक स्तर पर इस तरह की प्रवृत्ति में लिप्त लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए सामूहिक प्रयास करना, मदद के लिए आगे हाथ बढ़ाना। तृतीय, प्रशासनिक स्तर पर आवास सहित आजीविका के साधनों को उपलब्ध कराना और उन्हें जीवन की मुख्य धारा से जोड़ना। इस प्रकार व्यक्तिगत, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों स्तरों पर विभिन्न प्रकार के प्रयासों के द्वारा इस प्रवृत्ति में लिप्त लोगों को जीवन की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि विवाह प्रथा में धीरे धीरे सम्मिलित होने वाली विकृतियां, आर्थिक असमानता की बढ़ती खाई, बढ़ती भोग विलास की लिप्सा, आधुनिकता के मायने, महानगरीकरण, मनुष्य के मन में मानसिक विकृति इत्यादि कारणों से रूपजीवा प्रवृत्ति को समाज में स्थान मिला हुआ है, जिसके निवारण हेतु योग विद्या, भोग प्रवृत्ति पर अंकुश, सरकारी स्तर पर किए जाने वाले प्रयास, आधुनिकता के साथ ही संयम प्रवृत्ति के सहारे इसे कम किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत तौर पर आत्म संयम, दृढ़ इच्छा शक्ति, सामाजिक तौर पर संबलन की प्रवृत्ति और प्रशासनिक तौर पर आजीविका के संसाधनों का विकास, स्थायी निवास आदि साधनों के द्वारा भी इस प्रवृत्ति पर लोग लगाई जा सकती है और इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। मुझे ध्यानपूर्वक